जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पॉसिबल 11 पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला नीदरलैंड्स बनाम श्रीलंका के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ, लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फ्रेंड्स, एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली न्यूज वीडियो पिक्स वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे पोस्ट 11 चैनल की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस मैच में जो कि 20,000 रुपए का फ्री गिवअवे रखा गया है। फ्रेंड्स, तो अभी तक भी आपने पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोस्ट 11 सर्च करिए, आप वहां से पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो कि मैं आपसे 20 रुपए का क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसका जो भी आंसर आपको बेस्ट लगे वो आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स, जो भी विनर होगा उसका नेक्स्ट डे कमेंट पिन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप आसानी से प्राइस विन कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो चलती है अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात करता हूँ नीदरलैंड्स बनाम श्रीलंका का ये मुकाबला, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि काना क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों लखनऊ इंडिया में ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स, बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ये बॉलिंग पिच है अभी तक टोटल यहाँ जो कि 10 मैचेस खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर 3 मुकाबले विन किए हैं, जिन्होंने बॉलिंग पहले की है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर 7 मुकाबले विन किए हैं। फ्रेंड्स, जो एवरेज स्कोर है इस पिच का वो दोस्तों 228 एवरेज स्कोर है। बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ की वेदर रिपोर्ट की, तो दोस्तों लखनऊ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है, जिस दिन मैच होगा एंड 1.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करो वैसे कान्हा क्रिकेट स्टेडियम की अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो फ्रेंड्स टोटल मैच जो कि 11 हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट वन 3 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 8 मैचेस। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 226 एंड सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 209। फ्रेंड्स, हाइस्ट अभी तक का इस टीम का रिकॉर्ड रहा है वो फ्रेंड्स जो कि 311 10 विकेट के साथ रहा है एंड लोवेस्ट टोटल 157 10 विकेट के साथ। फ्रेंड्स, हाइएस्ट जो स्कोर हुआ है दोस्तों 269 3 विकेट के साथ हुआ है एंड लोवेस्ट वेंटेड 248 5 विकेट के साथ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रन बात करता हूँ नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 की, विक्रमजीत सिंह, मैक्सो दाऊद, कॉलिन अकरमान, वास्टी लीड, साइवार्ड इगलवेज, तेजा निंदमरू, स्कॉट एडवर्ड्स जो कि दोस्तों विकेट कीपिंग और कप्तानी दोनों संभालेंगे नीदरलैंड्स की टीम की ओर से, आरविंद अमर, लोगन बन वीक, आर्यन दत्त एंड पॉल वन मैकरन। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट रन बात करता हूँ श्रीलंका की प्लेइंग 11 की, प्रथमने संगा, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस जो कि दोस्तों विकेट कीपिंग और कप्तानी दोनों संभालेंगे श्रीलंका टीम की ओर से, एंजेलो मैथ्यूस या सौ विक्रामा जो कि दोनों में से दोस्तों कोई एक खेल सकता है, सी असलंका, डी डी सिल्वा, दुनित वल्ला लेगे, सी करुणार्थे, महेश दीक्षाना, लाहौरी कुमारा एंड दिलशान मधुसंका। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि श्रीलंका की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट रन बात करता हूँ इस मैच में गिव अवे की, तो बता दूं दोस्तों इस मैच में जो कि 20,000 रुपए का फ्री गिव अवे रखा गया है, तो अभी तक भी आपने पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोस्ट 11 सर्च करिए, आप वहां से पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इस फ्री गिव अवे का फैन जो है ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 2,000 रुपए का एंड सेकंड रैंक लाते हो तो आपको 1,000 रुपए का एंड थर्ड रैंक लाते हो तो दोस्तों आपको 500 रुपए तक का फ्री गिव अवे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो जल्द से जाइए पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बात करता हूँ फ्रेंड्स नीदरलैंड्स की टीम अपडेट की, विक्रमजीत सिंह और मैक्सो दाऊद जो कि दोस्तों आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे नीदरलैंड्स टीम की ओर से, कॉलिन अकरमान बन्ना पोजीशन पर बैटिंग करते दिखेंगे दोस्तों आपको नीदरलैंड्स टीम की ओर से, वाजडी लीड और एस इगलवराइट्स जो कि दोस्तों आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते दिखेंगे नीदरलैंड्स टीम की ओर से। फ्रेंड्स, कॉलिन अकरमान और आरविंद अमर जो कि दोस्तों आपको स्पिन बॉलिंग करते दिखेंगे नीदरलैंड्स टीम की ओर से। फ्रेंड्स, पॉल वन मैकरन और लॉगन वन बीक जो कि दोस्तों आपको फास्ट बॉलिंग करते दिखेंगे नीदरलैंड्स टीम की ओर से। दोस्तों आप ये टीम अपडेट देख सकते हो जो कि नीदरलैंड्स की टीम अपडेट है। नेक्स्ट रन बात करता हूँ श्रीलंका की टीम अपडेट की, प्रथम निशंका और कुशल पेरा जो कि दोस्तों आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे श्रीलंका टीम की ओर से, कुशल मेंडिस बंडा पोजिशन पर बैटिंग करते दिखेंगे दोस्तों आपको श्रीलंका टीम की ओर से, एस सौ विक्रामा एंड सी असलंका जो कि दोस्तों आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते दिखेंगे दोस्तों श्रीलंका टीम की ओर से। फ्रेंड्स, दुनित वल्ला लगे और डी डी सिल्वा जो कि दोस्तों आपको स्पिन बॉलिंग करते दिखेंगे दोस्तों श्रीलंका टीम की ओर से, एंड दिलशान माथुसंका और लवरी कुमारा जो कि दोस्तों आपको फास्ट बॉलिंग करते दिखेंगे श्रीलंका टीम की ओर से। दोस्तों आप ये टीम अपडेट देख सकते हो जो कि श्रीलंका की टीम अपडेट है। नेक्स्ट रन बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूं जो कि नीदरलैंड्स गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जितने चांसेस ज्यादा बनेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं फ्रेंड्स, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है जो कि दोस्तों नीदरलैंड्स टॉस जीत सकती है एंड फ्रेंड्स पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है।
मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं वेस्ट इंडीज को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड स्कॉट एडवर्ड्स को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स हेड टू हेड मुकाबले की, तो दोस्तों आपको बता दूं नीदरलैंड्स जो कि एक भी हेड टू हेड मुकाबला विन नहीं किया है एंड फ्रेंड्स वहीं श्रीलंका जो कि दोस्तों 5 हेड टू हेड मुकाबला वन किया है फ्रेंड्स। बात करूँ फ्रेंड्स जो कि नीदरलैंड्स, हालांकि दोस्तों पिछला मैच जो कि साउथ अफ्रीका से उन्होंने विन कर लिया था फ्रेंड्स, गुड फॉर्म में है दोस्तों नीदरलैंड्स, इसके जीतने के चांसेस ज्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। एंड वहीं श्रीलंका जो कि दोस्तों यहाँ तक के जो कि 5 हेड टू हेड मुकाबला वन किया है फ्रेंड्स, तो आप दोस्तों श्रीलंका ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है तो इसके भी जीतने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूं फ्रेंड्स नीदरलैंड्स के कुछ खिलाड़ी जिनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, एस अग्रवाल जो कि दोस्तों अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। विक्रमजीत सिंह अच्छे बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। लॉगन वैन बीक अच्छे बॉलर है दोस्तों, ज्यादातर मैच में एक दो विकेट हासिल करते हैं तो दोस्तों अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। पॉल वन मेकरन अच्छे बॉलर है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए फ्रेंड्स आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। कोयन अकरमन अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। एंड स्कॉट एडवर्ड्स जो कि दोस्तों अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले मैच में क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मिला फ्रेंड्स, बेस्ट बल्लेबाज हैं नीदरलैंड्स टीम की ओर से, तो दोस्तों अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। नीदरलैंड्स के मुख्य खिलाड़ी आप ये दोस्तों देख सकते हो जिनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। बात करूँ फ्रेंड्स श्रीलंका के मुख्य खिलाड़ी जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, मैथिक्साना अच्छे बॉलर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, श्रीलंका की टीम की ओर से आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, बेस्ट बॉलर हैं। एंड डीडी सिल्वा दोस्तों इनको भी अपनी टीम में जरूर ट्राई करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। कोसर परेरा अच्छे दोस्तों बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। श्रेयस अय्यर दोस्तों अपनी टीम में इनको सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, बेस्ट बल्लेबाज हैं श्रीलंका टीम की ओर से, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। प्रथम निशंका इनको भी दोस्तों अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। कुशल मेंडिस बेस्ट बल्लेबाज हैं दोस्तों श्रीलंका टीम की ओर से, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ फ्रेंड्स अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों आपको बता दूं विकेट कीपर में जो कि स्कॉट एडवर्ड्स को सिलेक्ट किया है एंड कुशल मेंडिस को दोस्तों अपनी टीम में सिलेक्ट किया है। बैट्समैन में पीज निशंका, वी सिंह श्रीलंका को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स एंड सिया करमन, डीडी सिल्वा बॉस्टे लीड को दोस्तों सिलेक्ट किया है। बॉलर में दोस्तों पीवी वाकरन, एलवी विक और दिमल शंका को दोस्तों टीम में सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ, कैप्टन जो कि वेस्ट इंडीज को कैप्टन बनाया है फ्रेंड्स एंड वाइस कैप्टन जो कि दोस्तों बनाया है मैंने कुशल मेंडिस को फ्रेंड्स। नेक्स्ट रन बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों आपको बता दूँ डीडी सिल्वा को आप ऐसा वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो जो कि अभी तक 68 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। एंड विक्रमजीत सिंह जो कि अभी तक 97 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, अपनी टीम में इनको एज ए कैप्टन स्मॉल लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। एंड फ्रेंड्स कुशल परेरा जो कि अभी तक 119 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, अपनी टीम में इनको एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। एंड कोलिन अकरमन जो कि दोस्तों अभी तक 206 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, अपनी टीम में इनको एज ए कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। कुशल मेंडिस जो कि अभी तक 295 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स, बेस्ट बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको एज ए कैप्टन ग्रैंड लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हो एंड एज अ वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में भी दोस्तों इनको ट्राई कर सकते हो। एंड वेस्ट इंडीज जो कि अभी तक दोस्तों 337 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, अपनी टीम में इनको एज अ कैप्टन स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु विल टेक मोस्ट विकेट्स इन नीदरलैंड्स बनाम श्रीलंका मैच में, जो कि नीदरलैंड बनाम श्रीलंका मैच में जो कि सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। जो भी आंसर आपको बेस्ट लगे वो आपको दोस्तों कमेंट में आंसर बताना है फ्रेंड्स। जो भी विनर होगा उसका नेक्स्ट कमेंट पिन कर दिया जाएगा, आप आसानी से प्राइज विन कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वेल आइकन को जो प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो और पिक्चर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे पोसो 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।